गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्ण का दूसरा भाग। क्योंकि मैं कल आप लोगों को वर्ण के बारे में बताए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, और जिनमें से आप लोगों को हम बताए थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में तो बताए थे, लेकिन स्वर वर्ण के भी दो भेद हैं, स्वर वर्ण के भी दो भेद हैं, और मैंने दोनों भेदों का नाम कल लिखा भी दिए थे। आज स्वर वर्ण के भेदों की परिभाषा बताने जा रही हूँ। स्वर हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं? हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे हास्य स्वर कहलाते हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे हो गया या, ई, ऊ, री। अब उसके उसका दूसरा भेद दीर्घ स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हास्य स्वर के अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हो गया या, दीर्घ, ई, दीर्घ, ऊ, ए, आय, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। और मैं कल बताई थी कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब मैं आगे बताऊंगी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। जिस प्रकार से स्वर वर्ण के दो भेद हैं उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण के भी भेद हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तो आइए हम पहले आप लोग को व्यंजन वर्ण की परिभाषा बताते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया क, ख, च, ट, प, या, ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण के भेद, अब क्या है व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं। कितने? तीन। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। यानी पहला इसका हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। और जिस प्रकार से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है उसी प्रकार से व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितना है? 33। अब बच्चों मैं इसका जो तीसरा भाग होगा मैं आप लोग को कल बताऊंगी, लेकिन इसके पहले जो मैंने कल आप लोग को पढ़ाए और आज पढ़ाए इसके कल और आज के दोनों भागों को देखते हुए मैं कुछ आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ।
पहला है वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? और चौथा है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तथा इनके भेद लिखें, इनके भेद लिखें। और पांचवा क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तथा इनके भेद लिखें। ये टॉपिक।